बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमैरा आसिफ और आप देख रहे हैं सुमैरा फूड ब्लॉग। और आज हम बना रहे हैं चिप्स, जो कि बहुत ही मज़े की है, बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। फिंगर चिप्स भी बनाते हैं, लेकिन आज हम इस स्टाइल में चिप्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने आलू की कटिंग कर ली है, बहुत खूबसूरत। मैंने 2 से 3 आलू लिए और उनकी कटिंग मैंने सबकी ऐसे कर ली, और इनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। और इसके लिए हमें चाहिए जी बेसन, चाहिए हमें 1 प्याली, और कॉर्न फ्लोर चाहिए हमें 2 चम्मच, और 1 पिंच चाहिए हमें बेकिंग पाउडर, और जी 1 टीस्पून चाहिए हमें ज़ीरा, और थोड़ा सा धनिया हमें चाहिए। और स्पाइसेस इसमें जाएंगे जी, ये स्पाइसेस हैं, खुशक साबुत धनिया है 1 टीस्पून, और ये चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून है, और ये लाल मिर्च पाउडर ये 1 चम्मच है, और हल्दी भी 1 टीस्पून है, और नमक हसबे ज़ायका, और ये खुशक कसूरी मेथी ये भी 1 टीस्पून है। तो चलिए हम बनाते हैं आलू की चिप्स। तो जी ये 1 प्याली जाएगी बेसन की इसमें, और ये 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर के जाएंगे, इससे काफ़ी क्रिस्पी सी चिप्स बनती है। और ये 1/2 टीस्पून जाएगा जी ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून ही है, और ये धनिया जाएगा, और जी ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे, और इसमें 1 पिंच जाएगा जी बेकिंग पाउडर। तो जी ये गया बेकिंग पाउडर, और अब हम इसके करेंगे मिक्स। तो जी इसमें डालेंगे हम पानी, और इसको करेंगे जी मिक्स। थोड़ा सा पानी हमें और चाहिए। तो जी ये मिक्स हो चुका है हमारा सारा पेस्ट, और हमें इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए ताकि हमारे आलूओं के ऊपर ये कोटिंग इसकी अच्छे से हो सके। तो चले जी अब हम फ्राई करते हैं। तो जी इसको हम ऐसे करेंगे डिप, ये देखिए ऐसे हमने अच्छे से इसको कोटिंग कर लेना है, और इसको हम डाल देंगे ऐसे पैन में। तो जी ऐसे हम ये इस तरह हम इनकी कोटिंग करते जाएंगे, और इसी तरह ये देखें ऐसे हम इसे डालते जाएंगे, ऐसे हम इसे डालते जाएंगे, और इसी तरह हम ये सारे फ्राइज हम इसमें डाल देंगे। ये हम डालते जा रहे हैं सारे चिप्स में इसमें। ये चिप्स बनाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा कढ़ाई चाहिए या पैन चाहिए, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसको हम अब पलट देंगे जल्दी से, ये इसकी कोटिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ गई है। ये बहुत जल्दी बन जाती है, और बहुत ही मज़े की भी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं ये। तो जी ये फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे, और इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। बेसन में कॉर्नफ्लोर डालने से ये बहुत क्रिस्पी से बन जाते हैं, और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालने से ये जल्दी, जो हमारे आलू होते हैं ये जल्दी गल भी जाते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे जी, इसी तरह हम सारे ये निकाल लेंगे। तो जी हम अपनी आसानी के लिए ये हम 3-4 स्लाइस जो हमने आलू के बनाए हुए हैं इनको डाल देंगे इस तरह, और फिर इनको ऐसे डिप करके हम जल्दी जल्दी इसे ऑयल में डालते जाएंगे। तो जी ऐसे हम ये देखिए ये जल्दी जल्दी से फिर डाल देते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ऐसी चिप्स के लिए हमें थोड़ा बड़ी कढ़ाई या फ्राई पैन भी हमें बड़ा ही चाहिए, ताकि ये आप इसमें चिपके नहीं। तो जी अब हम इसे पलटेंगे, ये देखिए कितनी जल्दी से ये फ्राई हो रहे हैं, इनको हम धीरे धीरे से पलट देंगे।
ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, और आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो जी ये भी रेडी हो चुके हैं और इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे। तो जी जनाब, ये है हमारी फाइनल लुक आलू की चिप्स की, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है और कितनी अच्छी इसकी कोटिंग हुई है, और ये जितनी दिखने में ज़बरदस्त लग रही है उतनी खाने में भी मज़े की है। और ये बारिश का मौसम है, इसे बनाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप इसे रायते के साथ और केचप के साथ भी खा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।